शायद कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक लंबे समय से कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड रही है, जिसकी लेटेस्ट एग्जांपल है सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत। लेकिन इसके अलावा बॉलीवुड में 10 ऐसी और फिल्में हैं जो कि कोरियन फिल्म्स का या तो रीमेक है या फिर इनमें से कुछ सीन्स को कॉपी किया गया है। तो चलिए नजर डालते हैं इस लिस्ट पर, जिस पर सबसे पहला नाम आता है फिल्म दो लफ्जों की कहानी का, जिसमें रणदीप हुड्डा और काजल अग्रवाल ने साथ काम किया है। ये फिल्म कोरियन फिल्म ओनली यू का ऑफिशियल रीमेक है, जो कि 2011 को रिलीज हुआ था। नंबर टू, रॉकी हैंडसम। जॉन इब्राहिम की फिल्म रॉकी हैंडसम ऑफिशियल रीमेक है क्लासिक एक्शन फिल्म द मैन फ्रॉम नोवेयर का, जो कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका काफी मिस्टीरियस पास्ट रहा है। वो एक पॉन शॉप में काम करता है और वो एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठता है जिसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट है। नंबर तीन पर है फिल्म प्रेम रतन धन पायो। जी हाँ, आप काफी सरप्राइज होंगे इस फिल्म का नाम सुनकर, जिसमें सलमान खान और सोनम कपूर ने साथ काम किया। अब ये एक काफी संस्कारी फिल्म है जो कि कोरियन फिल्म मैसेकरेट से इंस्पायर है। नंबर फोर, जज्बा। ऐश्वर्या राय की एक कमबैक फिल्म इरफान खान स्टार उनकी प्रेगनेंसी के बाद की फिल्म है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर टैंक हो गई थी। लेकिन हम आपको बता दें कि ये फिल्म 7 डेज नामक एक कोरियन फिल्म का अडैप्टेशन था। नंबर फाइव, सिंग इज ब्लिंग। जी हाँ, अक्षय कुमार की फिल्म सिंग इज ब्लिंग कोरियन फिल्म माय वाइफ इज अ गैंगस्टर 3 की कॉपी है। नंबर सिक्स, एक विलन। सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख स्टारर फिल्म एक विलन भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन ये फिल्म भी कोरियन फिल्म आई सॉ द डेविल का ऑफिशियल अडैप्टेशन था। ऑन नंबर सेवन वी हैव बर्फी। जी हाँ, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा के साथ ये दूसरी फिल्म कोरियन फिल्म लवर्स कॉन्सर्टो का ऑफिशियल अडैप्टेशन था। आठवें नंबर पर है फिल्म मर्डर 2। जी हाँ, इमरान हाशमी की फिल्म मर्डर 2 भी पॉपुलर साउथ कोरियन फिल्म द चेसर की कॉपी है। नंबर 9, रॉक ऑन। 2008 में रिलीज हुई फिल्म स्टारिंग फरहान अख्तर, अर्जुन रामपाल एंड पूरब कोहली ऑडियंस को बेहद पसंद आई, स्पेशली इस फिल्म के गाने। लेकिन हम आपको बता दें कि ये फिल्म भी कोरियन फिल्म द हैप्पी लाइफ का ऑफिशियल अडैप्टेशन था। फाइनली नंबर 10 पर है फिल्म जिंदा। संजय दत्त की फिल्म जिंदा भी साउथ कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय की कॉपी थी। क्या कहना है इस पूरी लिस्ट पर, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।